पहले जो सर की ये पहाड़ हुआ फिर उसके बाद गैप आया आठ साल नौ साल का वो गैप क्यों आया एंड देन डिसाइड टू कम बैक गैप इसलिए भी आया कि हम थोड़े से हार्ट ब्रोकन थे आ, हमें पेप्सी की स्पॉन्सरशिप मिल रही थी इन आफ्टर सर की ये पहाड़ जो ज़माने में मार्केटिंग डायरेक्टर था नाम भूल के हमारे दोस्त जितने मेरे का भी बहुत अच्छा दोस्त था वो बहुत बड़ा फ़ैन था उसने और हमारी डील चल रही ना वाइटल साइंस वॉज ऑलरेडी there. हाँ. Pepsi's इज मेन आर्टिस्ट दे वर लुकिंग फॉर younger बैंड और हम यंग होते थे उस ज़माने में अट्ठारह mm. साल उन्नीस साल के mm. थे बीस साल के थे तो सेकेंड एल्बम हमारी शायद आई थी और हमारी बात चल, चल रही थी चल रही थी एक दिन पता चला कि डील साइन हो गई है एंड देर इज दिस बैंड फ्रॉम इस्लाहबाद आवाज़ उन उनको साइन कर लिया और वो रोहेल हयात ने वो बैंड पिच किया है और उसने कहा है कि ये बैंड है आवाज़ का नाम ही नहीं सुना था किसी ने ओके okay. आवाज़ एग्जिस्ट ही नहीं करता था ओके okay. हमने कहा यार ये क्या तो फिर आ, हम थोड़े सैड हो गए हमने बस कहा कि चलो अब हम अपनी पढ़ाई पे फोकस करते हैं आ, हमने सर की पहाड़ का वीडियो बनाया जाके नाइन्टी नाइन स्टेप्स होते थे उस ज़माने में वो और शूट किया वीडियो एडिट हुआ फैसल कॉलेज चला गया यूजुअली जो हमारे फ़्लाइट से नॉर्मल रूट होता है उसकी जगह फैसल ने वाया हांगकांग रूट लिया ओके okay. क्योंकि एम का ऑफिस हांगकांग में था ओके okay. तो फैसल ने वहाँ जाके वीडियो ड्रॉप किया और जब उन्होंने उनके बोर्ड ने देखा तो दे गॉट रियली एक्साइटेड कह रहे पाकिस्तान से ऐसी म्यूज़िक और ये बैंड और ये फला फैसल के बहुत सारे इंटरव्यूज़ हुए फैसल का चिखता हुआ फ़ोन आया था वहाँ से uh -huh. मेरा इंटरव्यू हो रहा है मेरा इंटरव्यू हो रहा है मेरा अच्छा ज़बरदस्त तो फिर फिर फैसल यू एस चला गया मैंने इंडस वैली जॉइन कर लिया नहीं इंडस वैली में जॉइन कर चुका था और मैं यानी हमने कहा कि चलो बैंड को हम इंडस वैली नाइन्टी वन में जॉइन किया था ये नाइन्टी टू में रिलीज़ हुई थी आगे तो हमने कहा पढ़ाइयाँ करते हैं और बाद में देखेंगे क्या होता है फिर उसके बाद हम वापस आए बीच में एक गाना रिलीज़ किया नाइन्टी फाइव में mm -hmm. आ, फिर आ, या फिर नाइन्टी नाइन में मैंने पिरामिड प्रोडक्शन जॉइन की। और आयरनिकली रोहेल की कंपनी थी वो ना ओके okay. और फैसल भी जब यूएस आया उसने भी जॉइन कर ली जॉइन एज व्हाट? वो मार्केटिंग साइट पर था ओके okay. uh, और मैं क्रिएटिव uh, साइट पे था सही और हमने इसीलिए फैसल भी आ गया मेरे साथ कि हम बैठ के एल्बम पे काम कर सकें ओके okay. तो फिर रोहिल की कंपनी में हमने दूर रिकॉर्ड की oh, nice. और एंड रोहिल वाज लाइक यू नो नाइस इनफ टू गिव ऑल द इक्विपमेंट फॉर फ्री कि जाओ करो 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 yeah. तो यानी जिस जहाँ जो, जो बंदा आवाज़ को लेके आया था आज वो दूर पे हमारी हेल्प कर रहा है बनाने <laughs> में और फिर और दूसरी एक बड़ी एक आयरनिक चीज़ थी कि जब फैसल मैं कॉलेज में साथ थे तो हमारे सीनियर्स की एक इवेंट हो रही थी जो ताज पहले ताजमहल होता था अभी रीजन प्लाजा है राइट right. तो उसका ऑडिटोरियम था उसमें हमें गाना था तो मैं अपने कैसीो का कीबोर्ड लेके हमने दो गाने तैयार किए थे आ, दुनिया वालों और एक और शायद ए मेरी सरजमीन उस वक्त रिलीज़ नहीं हुए थे मैंने बना लिए थे ओके असल में साथ हमें वो स्टेज पे गाने थे तो ऑबियसली शो सही अच्छा जा रहा था जो भी उनके आर्टिस्ट थे लास्ट मिनट वो कहते हैं सीनियर्स के आ, बस अब तो तुम लोग नहीं हो अब हमने प्रैक्टिस करके आए हुए हैं कहते हैं नहीं, नहीं नहीं आप किसी और दिन oh. तो वो जो सीनियर थे वो थे खालिद अलवी ओके okay. और खालिद अलवी ने फिर जो हमें पहला कॉन्ट्रैक्ट दिया था पेप्सी का Khalid Alvi was the marketing director at that time. Nice. तो yeah. ये <laughs> <laughs> so, yeah. how, how the, the turntables turn yeah. <laughs> interesting. अगर आपने ये क्लिप एंजॉय की तो पूरी वीडियो देखने के लिए कमेंट पे दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए और मेरे मेन चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा कर ताकि आपको वर्क के साथ-साथ अपडेट्स मिलती रहें। बहुत शुक्रिया।